बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अपनी सब्जियों का विज़िट करवाना चाहती हूँ कि ये देखिए मैंने पॉट्स में कौन कौन सी सब्जियाँ जो हैं वो लगाई हुई हैं और मैं इनको इस्तेमाल में भी लाती हूँ। और इससे जैसे कि ये धनिया है, मैं इसे वक्तन फवक्तन यहाँ से काटती रहती हूँ और ये फिर दोबारा ग्रो होता रहता है। तो एक दफ़ा लगाने से हम कितना सारा समाज से फ़ायदा उठाते रहेंगे। और जब ये ख़त्म होने को आ जाएगा तो मैं किसी और ऐसी तरह के बैग में, किसी और बैग में लगा दूंगी तो उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। और ये है कि जब ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाएगी तो हम इसी बोरे को किसी थोड़ी सी छाया वाली जगह पर रख देंगे तो हमारा जो है ये जो हमारा धनिया है वो ग्रो करता रहेगा। कि इसे बहुत ज़्यादा जब धूप पड़ती है तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसीलिए कैरियों में भी ख़त्म हो जाता है। तो बैग्स में या पॉट्स में ये यही फ़ायदा है कि हम इसको हल्की फुल्की ऐसी जगह पे जहाँ पर सुबह शाम की धूप आती रहेगी और ये ग्रो करता रहेगा। तो देखें ऐसे बैग में लगाएं और फ़ायदा उठाएं। तो चलें नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखें नेक्स्ट मैंने इसी तरह पालक भी लगाई हुई है। ये देखें इसी तरह के बैग में पालक भी लगाई हुई है। और पालक तो ज़्यादातर मैं कम ही अपने किचन में इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि कैरियों में भी मेरे पास है, लेकिन ये है कि मैं ये जो स्पेशली लगा के मैंने ये एक तजर्बा किया है और अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि जिसके पास अगर जगह नहीं है तो वो इस तरह बैग में लगाएं और अपने लिए अपनी ज़रूरत के तहत इसे इस्तेमाल करें। और ये तो मैं ये ख़ास तौर पर मैंने ये जो है मैं परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि परिंदों का इसका इस्तेमाल परिंदों में बहुत करती हूँ। तो इसी तरह एक दो पता काटा और परिंदों में फेंक आई। ये देखें जैसे यहाँ से काटा, ऐसे काटती रहती हूँ वक्तन फवक्तन तो ये ग्रो करती रहती है। और देखें मैंने किस तरह दो तीन दफ़ा इसे मैंने ही काट लिया है। तो आप भी इसे इसी तरह लगाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। ये देखें ये देखने में तो मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता, इसे मुझे तो नर्सरी वाले यही कह रहे थे कि ये सलाद पत्ता है और देखने में तो ये बिल्कुल कैबेज की तरह लगती है, जो गोभी होती है उसके प्लांट्स लगते हैं, लेकिन वो हम बार बार यही कह रहे थे नहीं ये सलाद पत्ता ही है। तो चले मैं ले आई, मुझे अच्छा लगा, मैं इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करूँगी। और ये इसके जो लीव्स के का कलर है मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा ये है कि इसका इस्तेमाल हम घर में भी अपने बच्चों को सलाद के तौर पर इस्तेमाल करवाएं, अपने परिंदों को ख़ास तौर पर इस्तेमाल करवाएं, तो ये फ़ायदा ही है इसे। तो खूबसूरती खूबसूरती की खूबसूरती और फ़ायदा का फ़ायदा। तो ये भी एक मैंने ग्रो किया है सलाद पत्ता, बहुत सारे पॉट्स में मैंने इसको शिफ्ट किया है। और एक ये सलाद है रेड कलर का, इसे भी मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे अभी ग्रो किया है। ये मज़ीद और भी इसे दिखाएंगे आपको, ज़मीन में मैंने ज़्यादा ग्रो किया है, गमलों में तो मैंने एक दो प्लांट्स ही लगाए हैं कि चलें अगर नेक्स्ट सीज़न के लिए हम इसको सेव करते हैं, ज़्यादा उगाएंगे, अपने घर में भी इस्तेमाल करेंगे और परिंदों में भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें चलते चलते मैं आपको ये अपने फ्लावर भी थोड़े से दिखाती हूँ। इसके अलावा ये है कि अब मैं पॉट्स में मैंने बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ये अब पुदीना जो है वो ग्रो कर रही हूँ क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, हमें पुदीने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर के इस्तेमाल के लिए भी। तो ये तो सिर्फ मैंने अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए ही कि ये देखें पॉट्स में भी हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे पॉट्स में हैं और इनमें मैं ग्रो कर रही हूँ और आप भी इन पॉट्स में ग्रो करें। और ये भी इसका ये स्पेशली जो मेरे पास कैरियों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इसका मैं जो पॉट्स में ये ग्रो कर रही हूँ ये मैं इसका फ़ायदा आपको बताने लगी हूँ कि ये मैं स्पेशली इसलिए ग्रो कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको अपने कमरों में शाम के टाइम लेके जाना होता है। अपने सब जो ये जो प्लांट हैं छोटे छोटे ये जो मैं ख़ास तौर पर पुदीने के प्लांट और तुलसी के जो प्लांट हैं उनके जो गमले हैं वो मैं शाम के टाइम कमरों में ले जाती हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारे जो कमरों में मच्छर जो है बहुत कम आता है। तो आप भी इसी तरह इसके प्लांट लगाएं, ये पुदीने के प्लांट लगाएं और तुलसी के प्लांट लगाएं और वो जो गमले हैं अपने कमरों में लेके जाएं, शाम के टाइम आप ले जाएं, सुबह फिर दोबारा इसको इसी तरह धूप में रख दें और इस तरह हमारे जो कमरों में मच्छर है वो बिल्कुल नहीं आएगा। मैं तो ये ज़रूर करती हूँ और मच्छर से बचती हूँ, मच्छरों से मुख्तलिफ़ किस्म की अब बीमारियाँ जो फैल रही हैं बहुत ही डर लगता है इसे। तो ये छोटे छोटे टोटके हैं, आप इनको आजमा के देखें। मैं इनको ख़ास तौर पे अपने परिंदों में भी इसी तरह रखती हूँ,
परिंदों में भी बहुत कम मच्छर जाता है। फिर जब ये इसकी खुशबू से ना, तुलसी की खुशबू और पुदीने की खुशबू से मच्छर बहुत फिर भाग जाता है, आता नहीं है, कमरों में नहीं आता। तो आप भी इसी तरह लगाएं। ये देखें एक और किस्म का मैंने सलाद लगाया हुआ है, और ये देखें मैंने इसी तरह बैग में ग्रो कर रही हूँ इसको, तो ये भी बहुत फ़ायदे का है। इसे भी आप लगाएं और अपने बच्चों को दें। मेरे बताने का मकसद ये है कि देखें मैंने किस किस किस्म के पॉट्स में लगाए हुए हैं ये सलाद पत्ता, और आपके पास अगर गमले की गुंजाइश नहीं है तो आप इस तरह मुख्तलिफ छोटे छोटे बैगों में और छोटे छोटे ये जो सर्फ के पैकेट हैं इनमें लगाएं और इनसे फ़ायदा उठाएं। और इनके लीव्स जो हैं इनको काटें, मज़ीद साथ साथ काटते रहें, और साथ साथ ये बढ़ता रहेगा और आप इसका इस्तेमाल करते रहें। ये देखें एक गमले में मेथी लगाई हुई है, और देखें कितना प्यारी इसने लुक इसकी कितनी अच्छी है। और ये भी इसका भी देखें हम पकौड़ों में इस्तेमाल करें, अचानक से कुछ ना किसी अचानक सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो उसमें थोड़ी सी डालें तो इसमें खुशबू ताज़ा की ताज़ा खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो देखें मैंने ग्रो करके इसलिए दिखा रही हूँ कि ये चीज़ जो है मेरे पास है और ऐसे कर सकते हैं हम। देखिए कितनी अच्छी लगती है। और पॉट आपको दिखाऊं कितना सा पॉट है, ये देखें इतने से पॉट में लगाई हुई है, कितनी अच्छी लग रही है। ये देखें टोकरी में धनिया भी लगाया हुआ है और लहसुन भी लगाया हुआ है। इसी तरह आप घर में ये छोटे छोटे ये जो वेजिटेबल्स हैं ये छोटे छोटे पॉट्स में लगाएं और फ़ायदा उठाएं। चलें अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।